हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंतर्गत सीएफटी के एंडिंग में थी, तो किसी कारणवश वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो सीएफटी के अंतर्गत देखिए, अपन पिछले लेक्चर की बात करूँ तो लास्ट में अष्टफलकीय यौगिकों के अंतर्गत सीएफटी को समझ रहे थे, तो आज उसी को ही कंटिन्यू करते हुए कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अपन अष्टफलकीय संकुलों में सीएफटी को समझेंगे, देन उसके बाद अपन सतोष्फलकीय यौगिकों के अंतर्गत सीएफटी से डिफरेंट टाइप्स देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन अष्टफलकीय संकुलों में सीएफटी को समझते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो बातें बेसिक इंफॉर्मेशन होती है उसके बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया था, आज उसी को ही कंटिन्यू करते हैं अपन। देखिए समन्वय संख्या 6 वाले यौगिकों में सीएफटी कहूँ या फिर मैं कहूँ अष्टफलकीय यौगिकों में सीएफटी, ठीक है ना। तो देखिए हेडिंग लगा दो, लगा रखिए वैसे तो अष्टफलकीय यौगिकों में सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। कौन से यौगिक? अष्टफलकीय। इनकी समन्वय संख्या कितनी होती है? 6। अब देखिए बेसिक सी बातें सब कर रखी है, जो कर रखी है बातें आपके लिए रिवीजन है, लेकिन आप दोबारा नोट नहीं करोगे अपनी नोटबुक में। देखिए ये कोई सेंट्रल मेटल एटम के डी ऑर्बिटल है, जब इन ऑर्बिटल की एनर्जी समान होती है तो इनको अपन बोलते हैं कैसे कक्षक? समभ्रंश कक्षक। क्या बोलते हैं? समभ्रंश कक्षक। तो इन डी ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है? जब लिगेंड अनुपस्थित होता है तो उस कंडीशन में ये कक्षक कैसे कक्षक होते हैं? समभ्रंश कक्षक होते हैं। कैसे कक्षक? समभ्रंश कक्षक। लेकिन जब लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो उस कंडीशन में उनको अपन समभ्रंश कक्षक न कहकर लिगेंड की उपस्थिति में देखिएगा। किसकी उपस्थिति में? लिगेंड की प्रेजेंट में, लिगेंड की उपस्थिति में। जब लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो इनकी जो एनर्जी लेवल है, मैं बात करता हूँ किसकी, ये एनर्जी का कर्व खींचता हूँ मैं, इधर देखिए ऊर्जा। समभ्रंश कक्षों की एनर्जी ये है, लेकिन जब लिगेंड इनके साथ जुड़ जाएगा, लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा इन सेंट्रल मेटल एटम के डी ऑर्बिटल के साथ, तो इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी और इन डी ऑर्बिटल का विपाटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विपाटन हो जाएगा, स्प्लिटिंग हो जाएगी, विभाजन हो जाएगा। इस प्रकार से इनकी एनर्जी क्या, देखिए इधर, ये तो समभ्रंश कक्षक के सेंट्रल मेटल एटम के विदाउट लिगेंड, लिगेंड की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा? इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। अब देखिए जब सेंट्रल मेटल एटम के साथ लिगेंड अटैक करेगा, जुड़ेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो उस कंडीशन में इन कक्षकों को ऐसे नहीं रहने दिया जाएगा। क्या हो जाएगा? इनका विपाटन हो जाएगा। किस प्रकार से विपाटन होता है ये बातें भी कर रखी है अपन ने, नहीं की है तो एक बार और देख लीजिएगा। इन कक्षकों का विपाटन दो टाइप से होगा, दो प्रकार के कक्षक बनेंगे, एक तो ईजी बनेंगे, दूसरे T2G बनेंगे। ये जो कक्षक है इनको आप जानते होंगे, ये तीन कक्षक तो कैसे होते हैं? निरक्षीय होते हैं। कैसे होते हैं? निरक्षीय कक्षक। कैसे रे? निरक्षीय कक्षक। अब देखिए निरक्षीय कक्षक कैसे होते हैं रे? निरक्षीय कक्षक। अब ये तीन कक्षक निरक्षीय है और ये दो कक्षक होते हैं, अब कोई भी ले सकते हैं ना, जरूर नहीं ये दो ही। दो कक्षक कैसे होते हैं? अक्षीय होते हैं। कैसे होते हैं? अक्षीय, अक्षीय पर उपस्थित होते हैं। अब कौन कौन से कक्षक निरक्षीय होते हैं और कौन से अक्षीय होते हैं, ये बातें भी अपन ने कर रखी है, तो एक बार देखिएगा। अक्षीय कक्षक कौन कौन से होते हैं? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, माइनस वाई स्क्वायर। एक होता है कौन सा? डी जेड स्क्वायर। ये भी कैसा कक्षक है? अक्षीय कक्षक है, ठीक है। एक निरक्षीय कक्षकों की मैं यदि बात करने जाऊं तो इधर देखिए निरक्षीय कक्षक कौन कौन से होते हैं, ये भी दो तीन कक्षक है, कितने? तीन कक्षक है। कौन कौन से होते हैं बाकी वाले देख लो, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, आपने देखे होंगे कक्षकों को, तो स्टार्टिंग में भी बताया मैंने, वाई जेड और डी जेड एक्स। ये तीन कक्षक कैसे है? निरक्षीय कक्षक। अब देखो ये कोई सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहा हूं मैं, किसकी कर रहा हूं? अष्टफलकीय की बात कर रहा हूं। किसकी कर रहा हूं? ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये लो लिगेंड कहां कहां से अटैक कर सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहां कहां से बना सकता है, अबो द प्लेन एंड बिलो द, इस प्रकार से।
अब देखो अष्ट फलकीय यौगिकों की कंडीशन में लिगेंड अक्षीय स्थिति से जुड़ता है। लिगेंड कहां से जुड़ता है अष्ट फलकीय यौगिकों में? अक्षीय स्थिति से। कहां से? अक्षीय स्थिति से लिगेंड उपसहसंयोजक बंध बनाता है। कैसा बंध बनाता है? उपसहसंयोजक बंध बनाता है। समझे या नहीं समझे? समझ गए? देखो लिगेंड की उपस्थिति में क्या होता है, अक्षीय स्थिति से ये बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, अब देखो जब लिगेंड एक्सिस किसी एक्सिस से अटैक जुड़ेगा, देखो माना कि ये कोई एक्स है, एक्स मानो, वाई मानो, जेड मानो, जो भी मानो, ये वाई मान लो, ये जेड मान लो, जो भी मान लो, माना कि ये एक्स एक्सिस से, ये वाई एक्सिस से और ये जेड एक्सिस से, इस प्रकार से। अब लिगेंड कहाँ से जुड़ेगा? एक्सिस से जुड़ता है। कहाँ से जुड़ता है? एक्सिस से जुड़ता है, कोई सा भी एक्सिस। ठीक है ना। अब लिगेंड जब अक्ष से जुड़ेगा तो सेंट्रल मेटल एटम केंद्रीय धातु परमाणु के कक्षक भी अक्ष पर उपस्थित होते हैं। होते हैं कौन कौन से कक्षक? ये दो कक्षक। तो लिगेंड जब अक्ष से जुड़ेगा और सेंट्रल मेटल एटम के डी कक्षक भी अक्ष पर उपस्थित है और उनमें भी इलेक्ट्रॉन है और लिगेंड भी अपने इलेक्ट्रॉन देकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड उपसहसंयोजक बंध बना रहा है, तो उन दोनों के बीच में यानी सेंट्रल मेटल एटम के ऑर्बिटल तथा लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों के मध्य क्या होगा? रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण। इस प्रतिकर्षण की वजह से क्या हो जाएगा? इन कक्षकों का विपाटन हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा, विपाटन हो जाएगा या स्प्लिटिंग हो जाएगी। किनकी? इन कक्षकों की। जब लिगेंड जुड़ेगा तो इन कक्षकों का क्या हो जाएगा? विभाजन। अब देखो यदि कक्षकों के मध्य प्रतिकर्षण होता है तो एक कक्ष तो ऊपर भागेगा, मतलब रिपल्सन होगा, एनर्जी ज्यादा हो जाएगी उसकी। रिपल्सन की वजह से क्या हो जाएगी? उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। अब आप ही बताइए कौन से कक्षकों की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी जिनके मध्य प्रतिकर्षण हो रहा है। अब प्रतिकर्षण कौन से कक्षकों के मध्य हो रहा है? जो अक्ष पर उपस्थित है। क्यों? क्योंकि अष्ट फलकीय में लिगेंड कहां से जुड़ता है? अक्ष स्थिति से जुड़ता है। तो इस कंडीशन में डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर की एनर्जी क्या हो जाती है? अधिक हो जाएगी। तो इधर देखो मैं दो कक्षक बना रहा हूं, कौन कौन से? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड अक्षीय कक्षक कौन कौन से बताओ? इनको बोला जाता है, ये जो अक्षीय कक्षक है, कौन से कक्षक है? अक्षीय कक्षक। ठीक है, ये जो अक्षीय कक्षक है कौन कौन से है? एक तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और दूसरा कौन सा है? डी जेड स्क्वायर। कौन सा है? डी जेड स्क्वायर। समझ गए। और ये है निरक्षीय कक्षक। अब निरक्षीय कक्षक कितने? तीन। कौन कौन से है देख लो, इधर कौन कौन से है बाकी वाला देख लो। निरक्षीय कक्षक कौन कौन से? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। ये देखिए एक बात और नोट करो, ये जो तीन ऑर्बिटल है ये निरक्षीय स्थिति पर है और ये अक्षीय स्थिति पर है। इनको मैं क्या कहूंगा? निरक्षीय कक्ष कहूंगा। क्या कहूंगा? निरक्षीय कक्ष। ठीक है, एक बात जिनके मध्य रिपल्शन होकर जो ऊपर भागे हैं इनको इजी कक्षक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इजी। ये क्या है? इजी कक्षक। इजी आजकल मॉडर्न में ई लिखा जाता है, इजी कक्षक। कौन से कक्षक है? इजी कक्षक। इनको एक और नाम दिया जाता है, क्या? टी टू जी कक्षक। क्या कहते हैं? टी टू जी कक्षक, टी टू कक्षक, इसको ई कक्षक ऐसे भी कहते हैं। ठीक है ना। तो ध्यान रखना ये कौन से है, टी टू जी कक्षक और ये इजी कक्षक। समझ गए बातें? इसका जो सेंटर पॉइंट होता है उसको बोला जाता है कौन सा? बेरी सेंटर। कैसे? इन दो कक्षकों के सेंटर पॉइंट होता है ये दो, टी टू जी तथा ई जी के मध्य, ये जो सेंटर पॉइंट है इसको बोलता जाता है बेरी सेंटर। क्या बोलते हैं? बेरी सेंटर। समझ गए? ये जीरो एनर्जी डिफरेंस यहाँ क्या होता है? जीरो होता है इन दोनों के मध्य। यहाँ जी यहाँ पर ऑर्बिटल होते हैं तो एनर्जी डिफरेंस क्या होता है? जीरो। लेकिन इनकी एनर्जी ज्यादा होगी, इनकी एनर्जी कम होगी। निरक्षीय ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होगी जबकि अक्षीय ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी। अब ये जो कक्षक रिपल्शन की वजह से ऊपर भागे, कितने एनर्जी तक के ऊपर भागे, कितनी एनर्जी दूंगा मैं किसी ऑर्बिटल को जो यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन पहुंचाने के लिए, यहां कोई इलेक्ट्रॉन मेरे को यहां पहुंचाना है तो कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, उसकी यदि मैं बात करूं तो ध्यान से देखो यहां का जो एनर्जी डिफरेंस है
वो होता है 0.6 डेल्टा ओ, डेल्टा ओ, डेल्टा एनर्जी है किसकी, ऑक्टाहेड्रल की, ठीक है। अच्छा, ये जो नीचे आए ऑर्बिटल, इनका जो एनर्जी डिफरेंस की बात करूं तो मैं एक बात करता हूं, माइनस का कितना है 0.4 डेल्टा ओ, ठीक है। या फिर इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, ये जो डेल्टा ओ है एनर्जी है किसकी, ऑक्टाहेड्रल की, है ना, ये बात भी आप साइड में लिख लेना। डेल्टा ओ इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूं, टेन डी क्यू, ये भी लिख सकता हूं, डी क्यू, डी क्यू, टेन डी क्यू, डिफरेंशियल क्वांटा, ठीक है। अब देखो इधर, या फिर मैं इसको ये लिख सकता हूं, इसको टेन से मल्टीपल करूंगा तो क्या हो जाएगा, फोर, ये लो माइनस का फोर डी क्यू, ये लिख सकता हूं। इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं, यहां सिक्स डी क्यू लिख सकता हूं, समझ गए बात है। अब देखो यहां से यहां तक का जो डिफरेंस है इन दोनों ऑर्बिटल की यदि मैं बात करूं तो देखो इधर कितना है, यहां से यहां तक टी टू जी से इजी वो तक का डिफरेंस, ये कितना डी क्यू का है, टेन डी क्यू, टेन डी क्यू, या फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा ओ लिख सकता हूं, ठीक है। ये बातें आपको बेसिक सी है, इनके बारे में आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो अपन इसको समझते हैं, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इन विपाटन को प्रभावित करने वाले, यानी इलेक्ट्रॉनों के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की भी अपन बात करते हैं, ठीक है। तो ये आप एक बार नोट कर लीजिएगा। उसके बाद इस प्रकार के इस इलेक्ट्रॉन को भरेंगे अपन, इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो इलेक्ट्रॉनों के वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक है उनको भी डिस्कस करेंगे। कैसे, जैसे कि किसी डी ऑर्बिटल में सेंट्रल मेटल एटम है, उसका डी ऑर्बिटल है, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अपने को भरने है, पहले इसमें भर दिया कोई बात नहीं, दूसरा इसमें भर दिया, तीसरा इसमें भर दिया, अब चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे, ऊपर भरे या फिर वापस युग्मन करवाएं, है ना। तो इन बातों को, यानी इलेक्ट्रॉनों के वितरण को प्रभावित करने वाले में कारकों की यदि बात करूं तो दो कारक है मेनली, उन कारकों को अपन देखते हैं। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो और इसको नोट कीजिएगा, हो गया। अब देखिए आगे अपन बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रॉनों के वितरण इन अष्टफलकीय यौगिकों के जो विपाटन है, इस विपाटन को, इलेक्ट्रॉनों के वितरण को जो इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, उन कारक कौन कौन से, तो उनको देख लेते हैं। देखिए अष्टफलकीय यौगिकों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, ये बातें सब बता रखी मैंने शायद मेरे ख्याल से। तो नेक्स्ट एक बात नोट कीजिएगा, अष्टफलकीय यौगिकों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक है जो अष्टफलकीय यौगिकों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को प्रभावित करते हैं, देख लेते हैं। एक तो आपको ध्यान रखना क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी CFS, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, कौन सी, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, इसको अपन बोलते हैं किसको, डेल्टा ओ, से अष्टफलकीय के लिए डेल्टा ओ, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, ठीक है। अब ये जो क्रिस्टल क्षेत्र, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इक्वल टू इस, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा ओ भी लिख सकते हो, ठीक है। इक्वल टू इज आप क्या लिख सकते हो, अब देखो अभी बातें कर रहे थे, ये लिगेंड की प्रेजेंस में ऑर्बिटल है सेंट्रल मेटल एटम की, और इनका जब विपाटन होता था तो ईजी कक्षक बन रहे थे, और कौन से कक्षक बन रहे थे, टी टू जी कक्षक बन रहे थे, है ना, ये बेरी सेंटर था,
यहाँ का जो एनर्जी डिफरेंस था वो कितना था रे, 0.6। यहाँ का जो एनर्जी डिफरेंस था वो कितना था बताइएगा, 0.4 माइनस का ए डेल्टा, ठीक है। या फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 dQ लिख सकता हूँ, इसको 6 dQ लिख सकता हूँ। इसके अलावा और भी बात लिख सकता हूँ मैं, क्या लिख सकता हूँ, 3/5 लिख सकता हूँ इसको, किसको, 0.6 को मैं 3/5 लिखूँगा या नहीं लिख सकता हूँ बताओ, 3 को 5 से डिवाइड करूँगा तो क्या आ जाएगा, 0.6 ही आएगा, ये लिख सकता हूँ। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.4 को 2/5 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, एक ही बात हुई या नहीं हुई, माइनस का 2/5 डेल्टा ओ, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, ये हुई ना बातें। तो ये बातें हैं, तो मेरे को क्या सही है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी सही है, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करूँगा, आप इधर ध्यान दीजिएगा, 0.6 इंटू ए, ठीक है, ए ए यहाँ पर क्या है, इजी कक्षक के इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इजी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्लस मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का 0.4 इंटू क्या कर सकता हूँ बी, अब बी क्या है, टी टू जी कक्षक के इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक बात आपको ध्यान रखना, अब ये मैं ऑक्टाहेड्रल के लिए बता रहा हूं, किसके लिए बता रहा हूं, ऑक्टाहेड्रल के लिए बता रहा हूं, ठीक है। इतनी आएगी आपको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, कर लोगे, यदि मेरे को क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी सही है, क्या सही है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, तो इसके लिए मैं ये भी फॉर्मूले, मैं ऑक्टाहेड्रल की बातें कर रहा हूँ, सतोष फलकीय की बातें बाद में करूँगा, तब बताऊँगा आपको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कैसे कैलकुलेट करनी है। इसको मैं एक और लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 3/5 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ मल्टीपल बाई, क्या लिख सकता हूँ, अब एन ईजी भी लिख सकता हूँ, प्लस क्या लिख सकता हूँ मैं, 0.4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2/5 माइनस का 2/5 और मल्टीपल बाई क्या कर सकता हूँ मैं, एन, अब किसके लिख रहा हूं मैं, एन टी टू जी की, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है, डेल्टा ओ। और इसके अलावा आपको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के लिए फॉर्मूला देखना है तो कहीं घबराना मत देख के, ठीक है ना, आप ये भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 0.6 को मैं डेल्टा क्यू में बात करूं, डी क्यू में, तो टेन आपको पता है डेल्टा ओ इक्वल टू होता है क्या, 10 dQ, यही होता है। तो देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, 6, ये किस में, डेल्टा ओ है, मेरे को डी क्यू सही, तो 0.6 को क्या हो जाएगा, 10 से मल्टीपल करूँगा तो कितना हो जाएगा, 6 इंटू एन। अब ये जो एन लिख रहा हूँ मैं, ये कौन सा है, ये देखो एक जगह में एन भी लिख सकता हूँ, एन है क्या, इलेक्ट्रॉन है किस में उपस्थित, एजी कक्षों के, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू एन, अब ये कौन से इलेक्ट्रॉन है, किसके, टी टू जी कक्षों के इलेक्ट्रॉन, लेकिन साइन यहाँ पर माइनस का लगे, समझ गए, ये वाला भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, इस कंडीशन में यूनिट लगाओगे क्या, डी क्यू, समझ गए। ये तो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा की बातें हुई, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात ये भी बनती है, लेकिन अपन इलेक्ट्रॉनों के वितरण को समझ रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनों के वितरण को कैसे प्रभावित करेगा ये समझे, इससे पहले मैंने आपको ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑक्टाहेड्रल के केस में बताइए, ठीक है ना, ऑक्टाहेड्रल के केस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के बारे में मैंने डिस्कस किया, आप इसको नोट कर लेना, हो गया नोट, अभी ये हेडिंग तो यही है, लेकिन मैंने अभी तो फिलहाल के लिए इतना छोटा सा टॉपिक एनर्जी के बारे में बताया, इनमें से कोई भी फॉर्मूला आप लगा सकते हो, अपने बुक में शायद ये दे रखा है, ये है अपने RBSC की बुक में ये, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ सकते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के लिए। आगे देखो अपन कैलकुलेट भी करेंगे एनर्जी को, शायद हाँ पिछले लेक्चर में यहाँ पर कहीं, यहाँ कहीं होगा, हाँ 0.6 लिखा, ध्यान नहीं होगा, ध्यान नहीं दिया अपन ने, तो यहाँ पर 0.4 कर लेना है ना, अपने को पता है ऑर्बिटल में एनर्जी गैप तो देखा होगा, T2G के लिए कितना है, माइनस का 0.4 है, ठीक है ना, तो वो ध्यान रखना,
0.4 कर लेना वहां पे, कहीं फॉर्मूला यूज किया तो। अब देखो आगे बढ़े हम, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, दूसरा प्रभावित करने वाला कारक है कौन सा, युग्मन ऊर्जा। कौन सा है? युग्मन ऊर्जा। इस युग्मन ऊर्जा को इंग्लिश में बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं? पेयरिंग एनर्जी। कैसे एनर्जी? पेयरिंग एनर्जी, युग्मन ऊर्जा। इसको पाई से डिनोट करते हैं और ई पी से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। ये भी प्रभावित करती है। पेयरिंग एनर्जी क्या होती है ये भी बात नोट कर लीजिएगा, पेयरिंग एनर्जी। अब देखो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, तो ये हुई क्या हुई, T2g कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को ईजी में जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा। T2g कक्षाओं को ईजी कक्षाओं में प्रवेश के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी, वो तो है कौन सी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। लेकिन मैं यहाँ पर युग्मन ऊर्जा की यदि बात करूँ तो युग्मन ऊर्जा क्या है? युग्मन ऊर्जा किसी कक्षक में, किसी ऑर्बिट में, कक्षक में इलेक्ट्रॉन के युग्मन होने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या होती है, किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन के युग्मन होने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या होती है, पेयरिंग एनर्जी। जैसे ये कोई ऑर्बिट है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ये, दूसरा इलेक्ट्रॉन अब युग्मन हो रहा है इसका, युग्मन किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन के युग्मन के लिए आवश्यक ऊर्जा कौन सी होगी, युग्मन ऊर्जा। समझ गए बातें, ठीक है। अब देखो थर्ड बात ये है, दुर्बल लिगेंड या प्रबल लिगेंड की कंडीशन में युग्मन और ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी में क्या डिफरेंस रहता है और क्या परिवर्तन होता है। प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में देखो, अपन ने पिछले लेक्चर में देखा था क्या, स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी, उसमें अपन ने देखा था प्रबल लिगेंड और दुर्बल लिगेंड। लिगेंड को उनकी प्रबलता के बढ़ते हुए क्रम में अपन ने अरेंज किया था, है ना। प्रबल लिगेंड में देखता हूं, क्या देखता हूं, प्रबल लिगेंड, ठीक है। तो देखो इधर प्रबल लिगेंड क्या होता है, प्रबल लिगेंड की कंडीशन में आपको एक सिचुएशन ध्यान रखनी है, युग्मन होगा या फिर कक्षक, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे। ये देखिए लिगेंड की प्रेजेंस में सेंट्रल मेटल एटम की क्या है, डी ऑर्बिटल है, ठीक है। अब देखो इनका विपाटन होता तो क्या बनते, ईजी कक्षक बनते और क्या बनते, T2g कक्षक बनते। ऑक्टाहेड्रल की मैं बात करता हूँ, T2g कक्षक भी बनते और ईजी कक्षक भी बनते। लिगेंड यदि प्रबल है इस कंडीशन में युग्मन होगा या फिर इलेक्ट्रॉन ईजी में जाएंगे। अब देखो इसके लिए बात एक इंपॉर्टेंट है, इसको अपन क्या बोलते हैं, डेल्टा ओ से डिनोट करते हैं या फिर 10 dQ भी कहते हैं, यही कहते हैं। और युग्मन के लिए आवश्यक ऊर्जा को अपन किससे डिनोट कर रहे थे, पाई या फिर पी से। तो प्रबल लिगेंड की कंडीशन में इनके मध्य सेंट्रल मेटल एटम के ऑर्बिटल तथा जो लिगेंड है उनके मध्य क्या होगा, प्रबल प्रतिकर्षण होगा, जिससे कि ये एनर्जी गैप क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। कब होगा, जब लिगेंड कैसा हो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो ऑर्बिटल तथा लिगेंड के मध्य प्रतिकर्षण प्रबल होगा। ज्यादा प्रतिकर्षण की वजह से कक्षक क्या होंगे, दूर दूर ज्यादा होंगे, ज्यादा स्प्लिटिंग होगी और स्प्लिटिंग एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ध्यान से देखना, स्प्लिटिंग एनर्जी भी ज्यादा होगी, कक्षक ज्यादा दूर दूर हो, ठीक है ना। कब, जब लिगेंड कैसा हो, स्ट्रांग। तो स्ट्रांग लिगेंड की कंडीशन में एक बात आप ध्यान रखना, ये वाले ये डेल्टा ओ, इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाती है किससे, पी से या फिर पाई से। किस कंडीशन में, प्रबल लिगेंड की कंडीशन। ये डेल्टा ओ है, ये इनका ऑर्बिटल का एनर्जी डिफरेंस, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। और पी क्या है, पेयरिंग एनर्जी, यानी
इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, कहाँ जाएगा, जहाँ एनर्जी की कम की रिक्वायरमेंट, जहाँ एनर्जी की कम आवश्यकता हो। तो कम कहाँ पर आवश्यकता है, युग्मन में। ये पी क्या है, युग्मन ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है रे, युग्मन ऊर्जा। अब युग्मन ऊर्जा कम है तो इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, युग्मन पहले होगा बाद में क्या होगा, ये देखो क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा ज्यादा है इस कंडीशन में, बाद में वो इजी में जाएगा। देखो इधर डी में यदि फोर इलेक्ट्रॉन है, आप इसमें भरते जा रहे हो, एक तो भर दिया कम ऊर्जा में, पहले भरोगे ना कम ऊर्जा के ऑर्बिटल कौन से, यही है। यहां पर आपको पता है एनर्जी ये लेवल है, बताओ एनर्जी लेवल में ये एनर्जी कम किसकी है, इन टी2 जी कक्षाओं की। तो पहले तो इलेक्ट्रॉन इनमें भरेंगे, हुंड के रूल के अकॉर्डिंग सब एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब बात ये आती है कि इलेक्ट्रॉन को इजी कक्षकों में भेजूं या फिर इनका युग्मन कराऊं। तो परबल लिगेंड जब होगा तो उस कंडीशन में ये डेल्टा ओ गैप एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, जबकि पेयरिंग एनर्जी कम है, युग्मन के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता है और इलेक्ट्रॉन को इजी में जाने के लिए ज्यादा ऊर्जा की रिक्वायरमेंट है। तो कम ऊर्जा किसमें चाहिए, कम ऊर्जा किसमें चाहिए, युग्मन होने के लिए। तो पहले क्या होगा, चौथा इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, समझ गए बातें, यही बता रहा हूं मैं। तो परबल लिगेंड की कंडीशन में सिचुएशन क्या बनेगी वो बात है। तो परबल लिगेंड की कंडीशन में डेल्टा ओ की वैल्यू ज्यादा होती है किससे, पेयरिंग एनर्जी से। तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, युग्मन। तो ध्यान से देखो, परबल लिगेंड की कंडीशन में, परबल लिगेंड की उपस्थिति में, उपस्थिति में लिगेंड तथा सेंट्रल मेटल एटम, लिगेंड तथा सेंट्रल मेटल एटम के इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रबल प्रतिकर्षण होता है, प्रबल प्रतिकर्षण होता है। प्रबल प्रतिकर्षण के फलस्वरूप, प्रबल प्रतिकर्षण के फलस्वरूप, के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन, फलस्वरूप टी2 जी कक्षक तथा ईजी कक्षकों के मध्य विपाटन ऊर्जा का मान बढ़ जाता है, अतः डेल्टा ओ विपाटन ऊर्जा की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से अधिक हो जाती है, विपाटन ऊर्जा का मान पेयरिंग एनर्जी से अधिक हो जाता है। इस स्थिति में, इस स्थिति में इस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों का पहले इलेक्ट्रॉनों का पहले युग्मन होगा तथा युग्मन के पश्चात इलेक्ट्रॉन इजी कक्षक में प्रवेश करेंगे। ये बातें आप ध्यान रखो, ठीक है। ये प्रबल लिगेंड की कंडीशन, जबकि वीक लिगेंड होगा तो उसमें अलग सिचुएशन बने। तो देखो इधर वीक लिगेंड की भी बातें कर लेते हैं, लेकिन पहले प्रबल लिगेंड को समझ लेते हैं पूरा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन
ये देखो अपन बात कर रहे हैं कि इसमें अष्टफलक यौगिक कौन इलेक्ट्रॉनों के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, ये कारक है प्रबल लिगेंड। अब दुर्बल लिगेंड कंटिन्यू में बता दूं, बाद में अपन क्या करेंगे टेबल के थ्रू इनको समझ लेंगे। यदि वीक लिगेंड अवेलेबल है अपने पास, कैसा सेंट्रल मेटल एटम के साथ किसी संकुल यौगिक में वीक लिगेंड उपस्थित है, तो वीक लिगेंड की कंडीशन में अब देखिएगा अपन, देखो जैसे वीबीटी पढ़ रहे थे, वीबीटी भी दो टाइप्स के यौगिकों में पढ़ रहे थे, सतोष फलकीय तथा अष्ट फलकीय। वहां पर अपन ये समझे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की कंडीशन में युग्मन हो जाएगा, वीक फील्ड लिगेंड की कंडीशन में युग्मन नहीं होता है। अब क्यों युग्मन होता है क्यों नहीं होता है वो सभी बातें सीएफटी एक्सप्लेन करती है अच्छी तरह से, ठीक है ना। अब देखिएगा मैं करता हूं किसकी बातें, फोर्थ पॉइंट किसकी, दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में। कैसा लिगेंड है दुर्बल, वीक लिगेंड की उपस्थिति में, वीक लिगेंड की उपस्थिति में क्या होगा। देखो वीक लिगेंड यदि अपने पास अवेलेबल है, ये देखो लिगेंड की उपस्थिति में केंद्रीय धातु परमाणु के डी ऑर्बिटल है, ठीक है, और इनका तो होगा विपाटन लिगेंड की प्रेजेंस में, लिगेंड सा स्ट्रांग हो या फिर वीक हो विपाटन तो होगा, हो गया विपाटन। ये इजी कक्षक बन गए, और ये कौन से कक्षक है टी टू जी कक्षक, ये भी बातें हो गई। अब लिगेंड कैसा वीक, मेरे पास किसी सेंट्रल मेटल एटम के डी कक्षक में फोर और इलेक्ट्रॉन है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन तो मैं यहां भर दूं, अब स्वतः इलेक्ट्रॉन मैं इजी कक्षक में भेजूं या फिर टी टू जी में भरूं, ये बात है ना। तो वीक लिगेंड की कंडीशन में फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहां आ जाएगा, इजी कक्षक में आ जाएगा, न कि युग्मन। क्यों, क्योंकि लिगेंड तथा केंद्रीय धातु परमाणु के डी ऑर्बिटल के मध्य प्रतिकर्षण वीक होता है, कम प्रतिकर्षण की वजह से इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं होता, यानी यहां पर सिचुएशन ये बनती है क्या, पेयरिंग एनर्जी यानी युग्मन ऊर्जा का मान ज्यादा है किसे, इस विपाटन ऊर्जा से वीक लिगेंड की कंडीशन में। तो पहले क्या होगा रे, इलेक्ट्रॉन यदि विपाटन ऊर्जा का मान कम है तो पहले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इजी कक्षक में प्रवेश करेंगे, क्योंकि इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस कम है, तो पहले एनर्जी कहाँ, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। बाद में क्या होगा, युग्मन के लिए एनर्जी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो पहले कम एनर्जी वाली सिचुएशन देखनी है आपको, ठीक है। अब देखो दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में, दुर्बल लिगेंड की प्रेजेंस में, की उपस्थिति में सेंट्रल मेटल एटम की डी कक्षक, सेंट्रल मेटल एटम की डी कक्षक तथा लिगेंड के, लिगेंड के के इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण प्रतिकर्षण अधिक नहीं होता है, कम होता है, तो इस स्थिति में, तो इस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों का, इलेक्ट्रॉनों की, इलेक्ट्रॉनों के युग्मन से पहले पहले इलेक्ट्रॉन इजी कक्षक में प्रवेश करते हैं, इजी कक्षक में प्रवेश करते हैं, क्योंकि क्योंकि यहां क्या हो जाता है बताओ, इधर डेल्टा ओ से ज्यादा हो जाती है क्या, पेयरिंग एनर्जी, युग्मन ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, अधिक होता है किसे, विपाटन ऊर्जा से, ठीक है ना। तो पहले पहले इलेक्ट्रॉन
किसमें जाएंगे रे? एजी कक्षक में। चले जाते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, नोट करो, आगे अपन इलेक्ट्रॉनों के वितरण को समझते हैं। नोट कर लिया होगा तो देखो, अष्टफलकीय यौगिकों का में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को अपन समझ लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, अष्टफलकीय यौगिकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण। देखो इधर, सबसे पहले मैं विन्यास देखता हूं। विन्यास किसका? केंद्रीय धातु परमाणु का, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट देखता हूं मैं क्या, परबल लिगेंड की प्रेजेंस। परबल लिगेंड की उपस्थिति में, उसके बाद मैं देखता हूं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट मैं देखता हूं क्या, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण, म्यू म्यू बोलते हैं। म्यू कैसे कैलकुलेट करते हो? चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? म्यू, म्यू इक्वल टू क्या होता है? एन ब्रैकेट एन प्लस टू का क्या कर दो रे? रूट। यूनिट क्या लगाते हो? बीएम, बोर मैग्नेटो। यूनिट क्या है? चुंबकीय आघूर्ण की। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है एक नंबर का, चुंबकीय आघूर्ण की यूनिट, तो आप क्या लिखोगे? साइड में लिख लेना बोर मैग्नेटॉन। क्या होता है? बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। बोर मैग्नेटॉन चुंबकीय आघूर्ण की यूनिट कैसे कैलकुलेट करोगे? एन एन प्लस टू का रूट करना आपको। एन क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। एन इक्वल टू इस क्या है यहाँ पर? एन इक्वल टू इस, साइड में लिख लेना रे। एन इक्वल टू इस क्या है? अयुग्मित। फॉर्मूला पूरा चुंबकीय आघूर्ण अलग से लिख लेना, वहाँ पर ये फॉर्मूला लिख लेना, यहाँ पर एन दर्शा लेना। एन क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद मैं आप बात करता हूँ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। नोट कर लेना, एक टेबल के थ्रू आप इनको अपन समझते हैं। यदि केंद्रीय धातु परमाणु का विन्यास क्या हो रे? डी वन हो। कैसा हो? डी वन, यानी उसकी आउटर मोस्ट शेल, डी ऑर्बिटल में केंद्रीय धातु परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन हो, ऐसा हो डी वन। इस कंडीशन में परबल लिगेंड की उपस्थिति में क्या होगा? देखो इधर, ये ऑर्बिटल है लिगेंड की उपस्थिति में सेंट्रल मेटल एटम की, ठीक है। इनका क्या होगा? लिगेंड की उपस्थिति में विपाटन होगा। दो प्रकार के कक्षक बनेंगे, ईजी बनेंगे और कौन से बनेंगे? टी टू जी कम ऊर्जा के कक्षक होते हैं, जबकि ईजी अधिक ऊर्जा के कक्षक होते हैं। किस कंडीशन में? अष्टफलकीय स्थिति में, ठीक है। अब देखो, जब D1 विन्यास होता है तो अपन इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल करेंगे? यहाँ फिल करेंगे, T2G में एक इलेक्ट्रॉन। तो विन्यास देखिए, देखो विन्यास क्या होगा, T2G में कम ऊर्जा का कक्षक। पहले लिखते ही नहीं लिखते, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2, पहले किसमें इलेक्ट्रॉन भरता है? जिसमें कम ऊर्जा होती है। कम ऊर्जा का कक्षक कौन सा है? T2G। इसमें भरा कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन। एजी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। कितना है? 0 इलेक्ट्रॉन। एजी में कहाँ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, समझ गए बात है। जब सेंट्रल मेटल एटम के
डी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन हो उस कंडीशन में टी टू जी में कितना होगा, वन, और ई जी में जीरो होगा। लिगेंड कैसा है, परमल लिगेंड। आगे देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने, देख लो कितना, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक ही कैसा है, युग्मित या फिर अयुग्मित, अयुग्मित कैसा इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है, एक। अब देखिए मैं आगे बात एक करूं, चुंबकीय आघूर्ण यहां लिख, ठीक है, एक और लाइन बना दूं यहां पे, आप लिख लो क्या, प्रकृति, प्रकृति में आपको क्या लिखना है, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। म्यू का मान कितना है, अरे सॉरी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वन है तो म्यू का मान कितना हो जाएगा बताओ, वन, वन प्लस टू थ्री, थ्री को वन से मल्टीपल करूंगा थ्री, यानी थ्री का रूट कितना हो जाएगा, 1.73 बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। ये तो चुंबकीय आघूर्ण का मान है, लेकिन प्रकृति कैसी होगी, जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है तो प्रकृति होती है कैसी, अनुचुंबकीय, कैसी, अनुचुंबकीय, ठीक है। युग्मित इलेक्ट्रॉन होने की कंडीशन में उसकी प्रकृति होगी प्रति चुंबकीय, ठीक है। अब क्रिस्टल फिट स्प्लिटिंग एनर्जी को कैलकुलेट करना है, डेल्टा ओ कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करोगे आप, आपको कैलकुलेट करने के लिए 6 × क्या करोगे, एन, एन कौन से, ईजी, प्लस साइन किसका लगेगा, माइनस का, और 4 × क्या हो जाएगा, एन किसके लिए बताओ, टी टू जी के लिए, एन है क्या, ईजी कक्षक में उपस्थित, टी टू जी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या, ईजी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और यूनिट क्या लगाओगे, डी क्यू। कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है ना, यदि ये फॉर्मूला यूज करोगे तो डेल्टा ओ की वैल्यू कैलकुलेट करो, देखिए ईजी कक्षक में इलेक्ट्रॉन कितना है, जीरो, यानी ये वैल्यू तो क्या हो जाएगी, जीरो, और ये हो जाएगी माइनस 4 × क्या करोगे आप, माइनस 4 × टी टू जी, टी टू जी में कितना इलेक्ट्रॉन, एक, 4 × 1 करोगे तो कितना रहेगा, 4, यानी माइनस का 4 आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर यूनिट में डी क्यू लगा रहा हूँ, यदि डी क्यू नहीं डेल्टा ओ लिखूंगा तो उस कंडीशन में क्या लिखूंगा, माइनस का 0.4 डेल्टा ओ, जो आपकी मर्जी वो आप लिख सकते, ठीक है। अब देखो यदि विन्यास डी वन ना होके डी टू होता तो इस कंडीशन में बताइएगा टी टू जी में कितने होते और ए जी में कितने होते, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन, अगला इलेक्ट्रॉन किसमें भरते, इसमें आता, ठीक है ना, किसमें आता, इसमें, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, डी टू है, ये लो दो इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, दोनों टी टू जी में, समझ गए बात, ये लो दोनों इलेक्ट्रॉन टी टू जी, ए जी में कितना आएगा, जीरो। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दो है, और चुंबकीय आघूर्ण कैलकुलेट करना तो 2 + 2 कितने, 4 × 2 कितने हो जाते, 8 का रूट करते आप कितना आ जाता, कितना आ जाता, 2.87 आसपास बोर मैग्नेट, कर लोगे कैलकुलेट। अब प्रकृति कैसी है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसका मतलब प्रकृति कैसी है, अनुचुंबकीय, ठीक है, और ये क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा आप कैलकुलेट कर लोगे, कर लेना, ठीक है, कैसे कैलकुलेट करना है ये फॉर्मूला आपके पास पड़ा। थर्ड कंडीशन मैं बात करूं, विन्यास अपने पास कैसा हो, डी थ्री हो, तो बताओ अगला इलेक्ट्रॉन किस में आता, टी टू जी में ही आता, कम ऊर्जा का कक्षक वही है, तो टी टू जी में कितने हो जाते, 3, और ई जी में अभी भी कितना रहेगा, 0, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 3, और चुंबकीय आघूर्ण की बात करूँ तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 + 2 = 5 × 3 कितने हो जाएंगे, 15, 15 का रूट करोगे तो कितना आ जाएगा, 3.89 के समथिंग बोर मैग्नेटॉन, इस प्रकार से। उसके बाद प्रकृति, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसी हो जाएगी, अनुचुंबकीय, ये आप कैलकुलेट कर लो, कर लोगे कैसे, 4 − 4 × कितने करते, 3 करते, यानी कितना हो जाता, माइनस का 12, यानी माइनस का क्या आ जाता है, 12 डी क्यू, या फिर आप लिख सकते हो क्या, −1.2 डेल्टा। आगे देखो यदि विन्यास कैसा हो, डी फोर हो तो इस कंडीशन में टी टू जी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे और ई जी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, विन्यास जब डी फोर हो। अब देखो परबल लिगेंड की कंडीशन में आपको पता है डेल्टा ओ की वैल्यू ज़्यादा होती है किससे, पेयरिंग एनर्जी से, जानते हो, इसका मतलब पहले पेयरिंग होगी यानी युग्मन होगा, तो युग्मन होगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अगला किसमें भरूंगा, इसमें भरूंगा, यानी टी टू जी में कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 4, जबकि एजी में कितना रहेगा, 0, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, अब 2 रहेंगे,
और चुंबकीय आघूर्ण की बात करूं तो कितना आ जाएगा 2.87 बोर मैग्नेटॉन। कैलकुलेट कर लेना, फॉर्मूला आपके पास अवेलेबल है। प्रकृति कैसी होगी? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की कंडीशन में अनुचुंबकीय होगी और आप कैलकुलेट कर लोगे क्या पे डेल्टा ओ यानी क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा को। यदि विन्यास कैसा हो, डीप फाइव हो, तो टी टू जी में कितने हो जाएंगे और ई जी एल में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे। फाइव की कंडीशन में अगला इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो टी टू जी में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4+1 5, और ई जी में कितना हो जाएगा 0। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा 1 और चुंबकीय आघूर्ण कितना हो जाएगा 1.73 बोर मैग्नेटॉन। और प्रकृति कैसी होगी? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, इस कंडीशन में कैसा होगा अनुचुंबकीय। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं ना तो संकुल यौगिक क्या करते हैं, कलर प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी संकुल यौगिक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो वो कलर प्रदर्शित नहीं करता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी, रख लोगे तो ठीक है। अगली बात आपको यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा को कैलकुलेट कर लोगे। कैसे कैलकुलेट करोगे, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है देख लो, 4+5 5 5 से इसको मल्टीपल करोगे, इसमें तभी भी 0 यानी ये तो पूरा 0 हो जाएगा, यानी 5 से मल्टीपल करोगे तो कितना हो जाएगा 20, और यानी 2.20 हो जाएगा डी क्यू, 20 माइनस का 20 डी क्यू या फिर 2.0 डेल्टा ओ, कैलकुलेट कर लेना। यदि विन्यास कैसा हो, कॉन्फिग्रेशन D6 हो, इस कंडीशन में टी टू जी में कितना हो जाएगा और ई जी में कितना हो जाएगा, तो टी टू जी में कितने हो जाएंगे, अगला इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा यानी टी टू जी में कितने हो जाएंगे 6 और ई जी में कितना रहेगा 0। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा 0, चुंबकीय आघूर्ण कितना हो जाएगा 0 और प्रकृति कैसी हो जाएगी, प्रतिचुंबकीय, कैसी, प्रतिचुंबकीय, समझ गए। और क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कैलकुलेट कर लेना, कर लोगे। आगे देखो D7 की कंडीशन में क्या होगा, D7 में अब देखो अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ भरोगे, यहाँ तो जगह ही नहीं, ऑर्बिटर है ही नहीं, अगला इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ पे, ई जी, यानी टी टू जी कितने हो जाएंगे 6 और ई जी कितने हो जाएंगे 1, ठीक है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है 1, चुंबकीय आघूर्ण कैलकुलेट कर लेना, प्रकृति बता देना अनुचुंबकीय और वो अपने क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा भी बता दो। D8 की कंडीशन में क्या होगा, ऐसा सेंट्रल मेटल एटम का कॉन्फिग्रेशन में D8 आ जाए तो अगला इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, T2G6 होगा और EG में कितने आ जाएंगे, अगला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, EG में कितने हो जाएंगे 2, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने 2, चुंबकीय प्रकृति बता देना अनुचुंबकीय जो भी है। आगे देखो D9 कॉन्फिग्रेशन होता तो D9 की कंडीशन में T2G में कितने रहते 6 और EG में कितने हो जाते 3, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना होता 1, अगला इलेक्ट्रॉन यहाँ आता, ठीक है। तो वो चुंबकीय आघूर्ण बता लेना, प्रकृति बता देना और क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा भी आप बता दो। D10 की कंडीशन में बात करूँ तो बताओ T2G कितने हो जाते 6 और EG कितने हो जाते 4, यानी पूरे ऑर्बिटल भर गए, अगला इलेक्ट्रॉन यहाँ, T2G कितने हो जाते 6 और EG कितने हो जाते 4, और बोर मैग्नेटॉन चुंबकीय प्रकृति अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0, चुंबकीय आघूर्ण 0 और इसकी प्रकृति बता देना कैसी होगी, प्रतिचुंबकीय, और क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा को आप कैलकुलेट कर लोगे, कर लोगे। तो ये तो बातें हुई अष्टफलकीय की कंडीशन, और अगले लेक्चर में अपन बातें करेंगे किसकी, चतुष्फलकीय यौगिकों के लिए CFT की। तो आप एक बार इसको कम्प्लीटली रिवाइज कर लीजिएगा बुक की हेल्प से, बुक भी देखते रहना साथ साथ में, ठीक है। और अगले लेक्चर में अपन चतुष्फलकीय यौगिकों की CFT को समझ लेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर में बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।